بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن كريم في سورة شريفة آخری پارے کی مختصر سی صورت ہے. پروردگار عالم نے اس صورت مبارکہ میں انسان کی ایسی خصلت اور ایسی جبلت کا ذکر فرمایا جو تقریباً ہر آدمی میں موجود ہے. خالق کائنات چونکہ انسان کے بنانے والا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو پیدا فرمایا, اس کی غذا اور خوراک اور ضروریات کا انتظام فرمایا, اس کی ہر تمنا کو پروان چڑھایا, اس کی آرزوؤں کو پورا فرمایا. اسی نے اس کے اندر خاصیتیں پیدا فرمائی. تصویر الگ الگ بنائی, تقدیر الگ الگ بنائی, صورتیں مختلف ہیں. دو سگی بہنیں ایک ہے کہ لینے کے کوئی تیار نہیں اور دوسری ہے کہ سارا جہان قربان ہونے کو تیار ہے. باپ ایک ہے, ماں ایک ہے, شکل و صورت ایک ہے, ڈھانچہ ایک ہے, تصویر الگ الگ. اسی طرح سے تقدیر الگ الگ. ایک با آدمی کے دو بیٹے, ایک تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے, دوسرا بھیک مانگتا پھرتا ہے. ایک کے پاس اتنے کپڑے کے پہننے کی نوبت نہیں آتی اور ایک سردی میں جگہ تلاش کرتا. ایک کے پاس اتنے بچے کہ اسے فرصت نہیں ان کو سنبھالنے کی. ایک ہے کہ ترستا ہے کہ مجھے کوئی ابا کہنے والا دنیا میں ہے.
बावजूद इसके कि खालिक कायनात ने इसे दीन से नवाजा, इसको दुनिया से नवाजा, इसको दौलत से नवाजा, इसको तख्त शहनशाही से नवाजा, मगर आदत नहीं बदलती। अरबी का एक मकूला है, जबल गर्दत जिबिल्लत ना गर्दत, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, आदमी की आदत नहीं बदल सकती। सृष्टि में जो पड़ जाए, जो खसलत जगह पकड़ जाए, जो आदत मुस्तकिल हो जाए, उस आदत को छोड़ना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और वो छूटती नहीं। तो इंसान के अंदर परवरदिगार आलम ने एक खसलत रखी है, एक आदत रखी है, अंबिया कराम में नहीं होती, अल्लाह वालों में नहीं होती, बाकी तमाम लोगों में है। वो है हिरस, वो है हविस, वो है माल और दौलत की आरजू, और वो है अपने बराबर वाले को देखकर मुंह में पानी आना, बड़े आदमी को देखकर अपनी कमजोरी का एहसास होना, हाय इसके पास कार है मेरे पास साइकिल भी नहीं, इसके चार बेटे हैं मेरे पास एक भी नहीं। कुरान करीम ने इस खसलत को हलाकत से ताबीर फरमाया और यूं फरमाया, अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फरमाया हलाक हो गए, बर्बाद हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी आदत न बदली, जिनकी आरजू पूरी न हुई, जिनकी हसरत पूरी न हो सकी, जिनकी तमन्नाएं परवान न चढ़ सकी। आज हजारों का ख्वाब देखता है, पहले कहता है मैं किसी का मकरूज न रहूं, मैं किसी का मोहताज न रहूं, इलाही मुझे बेकर्जा कर दे, मैं किसी का देने वाला न बनूं, मेरी कुंडी खड़काने वाला कोई न बने, इलाही जिधर से गुजरता हूं लोग मांगते हैं, मेरे परवरदिगार मेरे सर से कर्जा उतार दे। अल्लाह का कर्जा उतार देता है, फिर कहता है इलाही मेरे पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए, शादियों में काम आए, जरूरतों में काम आए। फिर परवरदिगार आलम सैकड़े अता फरमा देता है, फिर हजारों का ख्वाब देखता है, फिर हजारों अता हो जाते हैं, फिर लाखों के अरमान करता है, फिर लाखों अता हो जाते हैं, फिर अल्लाह पाक करोड़पति बना देता है, फिर अरबों का ख्वाब देखता है, आवाज आई अल्लाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ओ तेरी तमन्ना पूरी ना हुई, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मगर आज तक तेरा जी ना भरा मैं फला के बराबर बन जाऊं, यहां तक के आप पहुंचते हैं कब्रों में। हमने आज तक किसी को दुआ मांगते नहीं सुना, या अल्लाह बस मेरे लिए काफी है, किसी और को दे जो गरीब हो। आज जब दुआ करेंगे दाएं बाएं कान लगा के देखना कोई दुआ मांगता है ऐसी, मेरे पास जमीन है मेरे गुजारे के काबिल है, मेरी नौकरी है मेरे गुजारे के काबिल है, मेरा कारखाना है मेरा गुजारा चल रहा है, कोई आदमी दुआ मांगता नहीं सुना होगा, या अल्लाह अब तेरी मेहरबानी दाएं बाएं वाले को दो मेरी खैर है। इसी को कुरान करीम ने जिक्र फरमाया, कब्र तक आदमी की आरजू पूरी नहीं होती, यहां तक के दुनिया उसको आके लपेट लेती है, दुनिया में फंसता चला जाता है, गिनती करता रहता है, सोचता रहता है इतने बनाऊं इतने बनाऊं इतने बनाऊं। इसी को परवरदिगार आलम ने दूसरे मकाम पे फरमाया, ओ लोगों तुम दुनिया के पीछे ना पड़ो, ला तकल्लुबुल लदीना कफरू फिल बिलाद मताउन कलील।
दुनिया की चहल पहल, दुनिया की रंग रौनक, दुनिया का तमाशा, दुनिया की रंगरीलिया तुम्हें अपना न बना ले। ओ लोगों मेरे बनो, मैं तुम्हारा हूँ। इरशाद फरमाया, दौलत मुझसे गाफिल कर देती है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुबह शाम जो मुझे याद करते हो, उनकी सुबाने हो, नाम मेरा हो, झोली उनकी हो, अता मेरी हो, मांगने वाले वो है, करम नवाजी मेरी हो। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन يدعون ربهم بالغداة والعشي, ऐसे लोगों के पास बैठा करो जो मुझे याद करते हो। रहा कब्र का मामला, कब्र में जाने की तेरी तैयारी नहीं, मेरी तैयारी नहीं, अमीर की तैयारी नहीं, जिम्मेदार की तैयारी नहीं, सरकारी मुलाजिम की तैयारी नहीं, कोई भी तैयारी में रात दिन रोता नहीं फिरता। आए मैं चला जाऊंगा, आए ये दुनिया यूं ही आबाद रहेगी, खुदा जाने ये दुनिया जलवागा है नाज है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। हजारों आए हजारों जाएंगे, दुनिया अपनी जगह पे आबाद है। जाते वक्त किसी को नोटिस नहीं मिला, किसी को इत्तला भी नहीं मिली। मेरे 8 दिन बाकी है, मेरा महीना बाकी है, मेरा ये आखिरी साल है, मेरी आखिरी रात है, किसी को पता नहीं। फरमाया अल्हाकुम तकासुर, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए दौलत के पीछे पड़ने वाले। यूं गिना करो, इस रात दिन में मैंने कितने सितारों की तिलावत की, इन रात दिन में कितना मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, इन रात दिन में कितना मैंने इस्तिग़फ़ार किया, कितनी मैंने अल्लाह अल्लाह की, किस कितनी मैंने कब्र के लिए तैयारी की, और कितनी मैंने इस कोठी बंगला इस मकान दुकान के लिए तैयारी की। मजज़ूब अली रहमत ने इन्हीं बातों को संवारने के लिए अपना दिमाग खपाया। इसी को कहता है कि रात दिन यही चहल पहल तुझे मस्ताना बना के रखती है। इधर वाले ने यूं बना लिया, उधर वाले ने यूं बना लिया। लो जी हिंदुस्तान से हमारी साथ आया था, आज इतने बड़े कारखाने का मालिक है। हमारी साथ आया था, आज इतनी बड़ी जायदाद का मालिक है। इसी को फरमाया यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला। हर वक्त दिमाग में यही है, भाइयों से ऊंचा हो जाऊं, बिरादरी से ऊंचा हो जाऊं, खानदान से ऊंचा हो जाऊं, इलाके में मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा बन जाऊं। फरमाया यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला। ओ जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। मरने वाला कभी यूं नहीं किया करता कि रात भी तबाह, दिन भी तबाह, जवानी तबाह, सारी जिंदगी बर्बाद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल देख ले। सहाबी अर्ज करता है या रसूलल्लाह, आप बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, आप ज़ईफ़ हो गए, आप की अब वो पहले वाली ताकत नहीं रही, हम देखते हैं बड़ी कमजोरी छा गई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुरान करीम की 4 सूरतों ने मेरी कब्र तोड़ दी। ये
जब मैं उन सूरतों को पढ़ता हूं मेरी हड्डियां खुर जाती है, मेरा सांस फूल जाता है। कयामत का मंजर जिन सूरतों में खास तौर से मौजूद है, फरमाया अबू हुरैरा जब मैं पढ़ता हूं मुझे मालूम होता है मौत आई। ये उस नबी का हाल है जिस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये फरमाया, ऐ नबी अगर आप हुक्म दें तो तोला दो तोला नहीं, शेर दो शेर सोना नहीं, ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं और ऐसा करूं कि आपको उठाना भी ना पड़े, जिधर को आप जाएं ये ओहद पहाड़ सोने का बनाऊं आपके साथ साथ चला करेगा। इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इलाहुल आलमीन मैं दुनिया कमाने नहीं आया, मैं सोना बटोरने नहीं आया, मैं चांदी इकट्ठा करने नहीं आया, मैं तो जो लोग तुझसे टूट गए बिगड़ गए जहन्नुमी बन गए उनका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करने के लिए आया हूं। फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के कब्र आ गई मगर लोग बाज न आए। रिश्वतखार बाज नहीं आता, झूठ बोलने वाला बाज नहीं आता, मिलावट करके पैसे कमाने वाला बाज नहीं आता, धोखा देकर दौलत बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा आज मैं धोखा कर रहा हूं कल मेरी साथ क्या बनेगी। फरमाया कुलू व तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून, खा पी मजे उड़ा दंगलाता फिर, याद रख मैं तुझे पहले बता दूं कब्र में आने से पहले तुझे बता दूं इन्नकुम मुजरिमून, है तू परले दर्जे का मुजरिम। www.shaheed-e-islam.com पता चलेगा तुझे जब मेरी पकड़ आए। कब्रों तक दंदना, कब्रों तक उछलता फिर, अपने आप को बड़े से बड़ा बना ले, अमीर कबीर बना ले, इज्जत वाला बना ले, और इज्जत तो मेरे यहां से होती है तेरे बनने से क्या बनता है। फरमाया इस हसलत का इलाज करो, इस आदत का इलाज करो कि मैं बड़ा बन जाऊं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सैया किस्म के आदमी थे, मुल्कों मुल्कों के सैर किया करते थे, जूता खो गया हजरत का, पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, दिल में आया कि इलाहुल आलमीन मुझे पैदा तो कर दिया, मेरे लिए तेरे पास जूती भी नहीं, नंगा फिरता हूं पैरों में छाले पड़ गए। मगर खुद ही फरमाते हैं कि जब मैं जाम दमिश्क की जाम मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी देखा बैठा था जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। फिर मैंने शुक्र अदा किया इलाही मैं जूती की शिकायत कर रहा था इस गरीब के पांव ही नहीं। तुम छोटी दुकान की शिकायत करते हो, छोटे कारोबार की शिकायत करते हो, दुकान को छोटी बताता है और खबर का पता नहीं कि छोटी बनेगी या बड़ी, उसका कौन फिक्र करेगा। मिश्कात शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाद आदमी कब्र में जाने के बाद अल्लाह पाक की जमीन उससे इतनी नाराज होगी और कहेगी पूरी कायनात जितनी मुझ पे चलने वाली थी तुझसे ज्यादा मुझे बुरा कोई नहीं लगता था,
आज तू मेरे कब्जे में आया, आज तू मेरे अंदर आया, देख मैं तुझे क्या बताती हूँ। तूने जिना मुझ पर की है, तूने शराब मुझ पर पी, तूने जुए मुझ पे खेले, तूने बड़ी बदमाशियां मुझ पे की, तूने रिश्वत बटोरी, मजलूम के ऊपर तू जुलम करता चला गया, कभी भी बात ना आया, मेरे कुरान को ठक ठुकराया, मेरे नबी के फरमान से बगावत की। आज देख मैं तेरा क्या इलाज करती हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों को हाथों में डाल लिया, इधर की उंगली इधर निकाल ली, इधर की उंगली इधर निकाल ली, फरमाया देखो जब जमीन दबाएगी दाई पसली बाई तरफ और बाई पसली दाई तरफ निकल जाएगी। उस खबर का इंतजाम आज कुछ नहीं, और सदका कुरान ने कि कब्र में आग घुसता है आदमी मगर तैयारी का नाम नहीं लेता। वो कहता मैंने मरना थोड़े ही है, मरने के लिए ये और लोग थोड़े हैं, मगर बचेगा कोई नहीं। परवरदिगार आलम का निजाम कायनात है कि उसने निजाम आलम बनाया, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई किसी हाल में रुखसत होगा कोई किसी हाल में रुखसत होगा। खुदा की कसम कोई शराब पीता हुआ मरता है, कोई बदकारी करता हुआ मरता है, कोई बदमाश बदकार औरत के पीछे मर जाता है, और कोई ऐसा होता है उधर दम निकलने का वक्त आया, उधर परवरदिगार आलम के फरिश्तों ने जन्नत का उतार कर सामने रख दिया। आजा ला तखाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तूअदून। आजा ये नक्शा देख ले, मैंने तेरे लिए ये जन्नत तैयार कर रखी है, दुनिया ही में दिखा दिया जाएगा। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक्यात में लिखा है कि आखिरी वक्त आया, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रखा, अल्लाह वाले ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा जन्नत से नफरत है? फरमाया नहीं। फिर जन्नत को देखकर मुंह क्यों फेरा? बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो गुल ही क्या है, वो गुल ही क्या है जिस गुल में बू न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। ओ ठीक है, जन्नत में सारे मजे सारी नियामतें हैं, मैंने नजर मार के देखी मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मैं उस जन्नत का लेकर क्या करूं जिस जन्नत में तू खुद ना हो मेरे रब, मुझे तो तेरी जरूरत है। इश्क की बात है, आदमी जिसके पीछे मरता है उसकी शक्ल चाहिए, दुपट्टा आ जाए पेट नहीं भरता, रुमाल आ जाए पेट नहीं भरता, उसका लिखा हुआ खत आ जाए पेट, और तमाम चीजें आग लगाने वाली है बुझाने वाली नहीं। मैं कहता हूं जिसकी मोहब्बत दिल में समा जाए, जूता भी आ जाए तो फिर उस पर भी कुर्बान। और ये इश्क की मंजिल ही भी है, आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। अगर किसी का बच्चा फौत हो जाए और वो जूते और वो खिलौने और वो कपड़े घर में रह जाएं, जब भी सामने आते हैं मां का जिगर फट जाता है, इन जूतों के पहनने वाला चला गया, इन कपड़ों को पहनने वाला चला गया, मेरे सामने यूं खड़ा हुआ करता था, यूं खेला करता था, यूं खाया करता था, ये भी मोहब्बत है ना। तो जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके पैगाम से पेट नहीं भरता, उसके कपड़ों से पेट नहीं भरता, उसकी किसी चीज भेजी हुई से पेट नहीं भरा करता। ये अल्लाह वाले जिनको परवरदिगार आलम की जात से इश्क हो जाता है वो उसके सिवा कुछ नहीं मानते।
کے ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا, یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے. بعض صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. بعض اولیاء کرام تم تو لنگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار, آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے, نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے. چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا عورت ولی ہے, کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی, ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے. کس نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو, کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں, جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں جہنم کو. کس نے پوچھا کیا کرے گی, تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے, لوگ مشرک ہو گئے شرک کرنے لگے. اس نے کہا کیسے, فرمانے لگی کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں, میں پانی لیے پھرتی ہوں جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں, پانی ڈال کر ختم کر دوں, نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے, اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں, نہ جنت ہو نہ لالچ ہو, جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے. میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں, یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے. چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, جس واد میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر واد فرما دیتے. ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا, کہ جس واد میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا واد نہیں فرماتے. فرمایا ہاں ہاں, ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی. فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی. ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے, رابعہ کے پاس عقل موجود ہے, دماغ موجود ہے, عشق موجود ہے, سوز و گداز موجود ہے, وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی, تم کیا جانو. یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں, ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں, ہم کیا سمجھیں گے. آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دے. آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے. ساری عمر اسی سوچ و بچار میں گزار دیا, بھی ایک ایکڑ کے دو بناؤں, ایک مربے کے دو بناؤں, ایک کارخانے کے دو بناؤں, ایک دکان کی دو بناؤں. فرمایا کلا, ہرگز ہرگز نہیں, کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی, کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں. اس نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں, یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں. تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا, انسانیت کے لیے لاہی عمل نازل فرما دیا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے, برباد ہو, تباہ ہو جائے, ڈوب کے مر جائے, ذلیل ہو جائے, وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے. حتی زرتم المقابر, او لوگوں اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج تو کر لو, اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو, اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے, اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے, ورنہ لتارمون الجحیم.
याद रखो जहन्नुम का अज़ाब बड़ा सख्त है। आदत बदलो, कुफर की आदतें लोगों को पड़ जाती हैं, रस्म और रिवाज की आदतें लोगों को पड़ जाती हैं, वो आदत बनाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान की आदत बनाओ, हुजूर के इरशाद वाली अमल करने वाली आदत बनाओ। खसलत बदलो, मिजाज बदलो, हालात बदलो, जिंदगी में इनकलाब लाओ, फिर परवरदिगार आलम यूं आवाज खुद देंगे, ओ मेरे बंदे इधर आ, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, और मेरे बंदे दुनिया में भी तेरा कार साद मैं हूँ, कब्र में भी मेरे सिवा तेरा कोई नहीं। कितनी प्यारी बेगम साहिबा हो, कितना ही प्यारा बेटा हो, कितना ही प्यारा लक्ष्य जिगर नूरे नजर हो, हर आदमी अंधेरी कोठड़ी में लाखों मन हजारों मन मिट्टी के नीचे रख के आ जाता है। पता है कि ये वो बेगम है जिसने कभी चेहरे पे दाग नहीं पड़ने दिया, ये वो बेगम है कभी इसके कपड़ों में सलवट ना पड़ी। आज सारा खानदान सबसे प्यार करने वाला शोहर धड़ाधड़ मिट्टी फेंक रहा है, बाप अपने बेटे पे मिट्टी फेंकता है, दोस्त अपने दोस्त के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, शागिर्दों ने उस्ताद पे फेंकी। www.shaheed-e-islam.com शुमार बीमारियां ऐसी हैं कि दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर खुद आदमी एहसास कर ले तो खुद ही एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर यह अहम मौजूद है। चुनाते इसी को मंसूर अली रहमत कहता है कि बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। दरवाजे पे बड़ा रोगन है, बड़ा रंग है, दीवारों पे बड़ा रोगन है, छत पे बड़ा रोगन है, फर्श बड़ा संगमरमर का है, कपड़े बड़े साफ हैं, चेहरा बड़ा साफ सुथरा है, मगर कुरान करीम कहता कल्ला बल रौना कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। चेहरा न देखो, मैं खुदा कहता हूं अंदर से दिल बड़ा काला है, अंदर बड़ा काला है। ये वो जनानी है जिसने अपने और पराए मर्द में कभी पहचान ना की, ये वो बेगैरत है जो पैसों के पीछे अपने आबरू का सौदा करती है, ये वो मर्द है जो अब ईमान के अपने का सौदा करता है पैसों के पीछे। इंसान सोच ले तो थोड़ी सी देर में ये सब कुछ समझ में आ सकता है। इसी को कहता कि बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। तमाम जिंदगी का निजाम इसी तरह चलते चलाते खत्म हो जाता है। पहले आदमी एक मुल्क का मालिक होता है, फिर कहता कम से कम दो मुल्कों का तो मालिक बन जाऊं, मैं किसी जनरल असेंबली का तो मेंबर बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं। कुरान करीम की बात गलत नहीं, अल्लाह की बात गलत नहीं, नबी की बात गलत नहीं, फरमाया यूं बनते बनते आखिरकार मौत का झटका लग जाता मगर वो बाज नहीं आता। فَرْمَا لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمَ اُدھر فَرْمَا لَا قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِلَّهُمْ لَقَالُوا الْجَحِيمَ।
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے کل جس کا تجھے یقین نہ تھا. یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی, یہ دن پھر نہیں آنے کے, تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا, یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا. آج کر جو کچھ کرنا ہے, آج کما جو کچھ کمانا ہے. بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا, آج میرا سلوک دیکھے گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے, جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے, قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فبروشو فرش بچھاؤ اس کے لیے لم کا دل عروس, سو جا دلہن کی طرح جیسا تجھے کوئی اس کو کوئی نہیں جگاتا, تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا. اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے, ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے. ایک لاکھ برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا, ابھی تو میں لیٹا تھا, نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی, قیامت تو بھیگل بھی بچ گیا, اتنی دیر میں قیامت قائم ہو گئی, ابھی تو میں سویا تھا دیر بھی کچھ نہ لگی. اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی, آج کل راتیں بہت بڑی ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے سو فجر کی اذان بستر میں ہی آ جاتی ہے, یوں معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی تو سوئے تھے ابھی ابھی اذان ہو گئی. سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے, اور جس کی پسلیوں میں نمونیا کا درد ہے سانس نہیں آتا اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی, جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کہ کتنی بڑی رات ہے, دن نکلنے میں نہیں آتا. تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا الہی کروڑوں سال گزر گئے قیامت آئے گی کب, میرا کچھ فیصلہ تو ہو. اور جس کی قبر اچھی ہے, جس کی قبر جنت کا باغ ہے, جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی, وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا اتنی دیر میں قیامت آ گئی. اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی, ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. ایک پلڑا بدیوں کا بھرا ہوا, نیکی والا پلہ بالکل خالی. اللہ پاک فرمائیں گے تول لوں کیا, ایک طرف کچھ ہے ہی نہیں, تول تو جبھی پیدا ہوگا, میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو, ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے, نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا. تو یوں آتا کتابوں میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے,
रोएगा कि मैं मर गया, मेरे बल्ले तो एक नेकी भी ना निकली, सारी उम्र बर्बाद हो गई। तो यूं लिखा है कि आप उंगली के पोरवे के सरे के बराबर, उंगली के सरे के बराबर एक कागज अपनी तरफ से देंगे उस उम्मती को, फरमाएंगे इस खाली पल्ले में ये रख दे, इस खाली पल्ले में जिसमें एक भी नेकी नहीं ये रख दे। यूं आता किताबों में, जब वो जरा सा कागज का पुर्जा रखेगा तो बदियों का पल्ला हवा में उड़ जाएगा और उस कागज के वजन से नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अब वो कहेगा कि मैं आपको जानता नहीं, ये तो कयामत है, मां काम नहीं आती, बाप काम नहीं आता, औलाद काम नहीं आती, माल काम नहीं आता, कोठी बंगला तमाम का तमाम, हुकूमत काम लाई, तख्ते शहनशाही काम लाया, सारा निजाम बर्बाद हो गया, आप अल्लाह वाले कौन है जो आकर के मेरी इतनी बड़ी खैरखाई की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तुझे याद होगा मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है, एक दिन इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं, एक दिन इखलास के साथ तेरे दिल में मेरी मोहब्बत उठी थी, तूने ये दुरूद शरीफ पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंच गया था, मैंने संभाल के रखा, आज इस कागज में वो दुरूद शरीफ मौजूद है और लाकर मैंने तेरे पल्ले में रख दिया। इखलास के साथ, रियाकारी ना हो, मजमे में बैठकर नहीं, हम बिस्तर में लेटकर बीवी को याद करते हैं, खाने में बैठ के बच्चों को याद करते हैं, दुकान पे बैठकर नौकर और मुलाजिम को याद करते हैं, सफर में दोस्तों को याद करते हैं, वो वक्त बताओ जिस वक्त में बैठकर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। कौन सा वो वक्त है कि किसी आदमी के यूं आंसू निकले हो, आका उम्र गुजर गई तेरा नाम सुनते सुनते तेरा दीदार कब करूंगा। www.shaheed-e-islam.com। इसीलिए उलमाए किराम ने इस सूरत के जेल में लिखा है कि आदमी को अपने मिजाज में तब्दीली की कोशिश चाहिए, जुबान बदलो, हालात बदलो, उम्र का हिसाब खुद लो, दुकान का हिसाब लेना जानते हो, मकान का किराया लेना जानते हो, जमीन की पैदावार का हिसाब जानते हो, दफ्तरों का हिसाब करना जानते हो, अपनी उम्र का हिसाब करना नहीं आता तुम्हें। याद कर मेरी 50 साल जिंदगी गुजर गई, आज अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं किधर जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कल कयामत का मैदान हो और मेरे लिए ये ऐलान हो जाए, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। जिनको तुम गरीब जलील समझा करते थे, जिनको तुम तालिबे इल्म और दुर्वेश समझा करते थे, मौलवी का नाम सुनकर तेरे माथे में बल पड़ जाया करते थे, आज इनके पास खड़ा होने की तुझे कोई इजाजत नहीं, खबरदार अलग हो जा। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तैयिब, नेकोबद के अंदर तमीज करा दी जाएगी। तो अर्ज कर रहा था, फरमाया लतरबुल जहीम ثم لترمنها عين اليقين। याद रखो, जहन्नुम का बड़ा दर्दनाक अदाब है, बड़ा तबाह कर देने वाला अदाब है, बड़ा परेशान करने वाला अदाब है। फरमाया ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, अल्लाह पाक की एक नियामत का तुमसे सवाल करेंगे।
अब बेशुमार चीजें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में यही समझ में नहीं आता कि ये भी कोई नियामत है। अब ये मैं बोल रहा हूं जुबान है, मैं क्या कदर करूं इस नियामत की। गुंगे से पूछो जो बोलने को तरसता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है। आपकी अल्लाह पाक ने आंखें दुरुस्त रखी हैं, तुम तो कहते हो सारी दुनिया ही को मिली हुई है, तो मुझे अकेले को मिली है। उससे पूछो ना जो रास्ता मालूम करने के लिए तरसता है। तुम्हारे दिमाग में ये कमी आई से आंख बड़ी नियामत है, जिसका कान नहीं उससे कान की नियामत पूछो, जिसका पैर नहीं उससे पैर की नियामत पूछो, अरे एक उंगली नहीं उससे पूछ के तेरा क्या हाल है। एक उंगली के बगैर आदमी निकम्मा हो जाता है। जिसकी बीवी नहीं उससे जाके पूछो कि तन्हा की रात कैसे कटती है। जिसकी औलाद नहीं उससे जाके पूछो कि तुम्हारे रात दिन कैसे बसर होते हैं। जिस गरीब का धंधा और गुजर औकात नहीं है उससे पूछो कि तेरी साथ क्या गुजर रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सहाबा इकराम हैं, आप तशरीफ फरमा हैं, खजूरें खा रहे थे, आपने खजूर की गुठली उठाकर फरमाया लोगो इस खजूर का भी सवाल होगा, इस खजूर का भी सवाल होगा कि ये खजूर खाकर क्या कमाई की, क्या कमाया आखिरत के एतबार से। आज हम आखिरत से गाफिल लोग हैं। कब्र हश्र की परवानी, कयामत और दोजख की परवानी, बस अपनी मंजिल पर रवा दवा है। जो बिरादरी की रस्में हैं, जो कुंबे कबीले की रस्में हैं, हमने तो वो पूरी करनी है। और ये नहीं सोचना कि परवरदिगार आलम ना मालूम किन लोगों में मेरा शुमार कर देगा और किन लोगों में मेरा खाता बन जाएगा। ऐसा ना हो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कुरान करीम ने फरमाया हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हलाक हो गया वो आदमी, बर्बाद हो गया वो आदमी जो बदला ही ना, अपनी आदत ना बदली, सरिश्त ना बदली, मिजाज ना बदला, यहां तक कि खबरें आ गई। हराम खाने का आदि था तो हराम खाता रहा, हराम तकने का आदि था तो हराम तकता रहा, चोरी करने का आदि था तो चोरी से बाज ना आया। गर्जे के जिस काम में तबीयत लग जाती है उससे बदला नहीं करती। दुनिया का निजाम ये है कि दुनिया छूट जाती है मगर लोग आदत नहीं छोड़ा करते। इसलिए आप अपनी आदत पे हाथ मारो और अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड को खुद चेक करो कि कौन सी वो आदत है जो मेरी कब्र को बर्बाद कर रही है। कुरान करीम ने ऐसी चीज का नाम लिया बिलखसूस माल की हिरस, दौलत की हिरस, जाहो हशम की हिरस कि कल यूं बन जाऊं और इतना दौलतमंद बन जाऊं, मुझे सारा इलाका पूछने लगे, सब मुझे सलाम करने लगे। तो ऐसी सूरत में तो वो तो हिंदू के पास भी है, वो तो किराड़ के पास भी है, वो तो चूड़े चमार के पास भी है। दौलत है ईमान, दौलत है इस्लाम, दौलत है अल्लाह का कुरान, दौलत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सबसे बड़ी दौलत तो ये है। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि आदमी की मैयत जब घर से निकलती है तो कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं, औरतें बहन बेटियां, जो दरवाजे तक पीठ पाट के रो धो के रह जाती हैं। दरवाजे से बाहर ज्यादा निकला और वो गरीब रोज रोज की धोती वहीं रह जाती है। आधे रिश्तेदार तो वहीं घर में रह गए, भांजे भतीजे भाई खानदान कबीला दोस्त कुछ नमाज जनाजा तक, कुछ नमाज जनाजा तक सबको इंतजार होता है भाई जो जरूरी जाने वाले लोग हैं वो चले जाएं। सलाम फिरी नहीं और फिरा नहीं और वो भागे नहीं। कुछ यार रिश्तेदार अजीजो अकराबा नमाज के सलाम तक, कुछ अजीजो अकराबा कब्र की मिट्टी तक, तमाम के तमाम वापस हो जाते हैं, एक आदमी पास नहीं रहता। हदीस में आता है कि एक नौजवान मैयत के साथ कब्र में उसके साथ बैठ जाता है,
और वो कहता है कि सब चले गए तू नहीं जाता, सब छोड़ गए तू नहीं मुझे छोड़ता, कौन है तू? कहता मैं बेवफा दोस्त नहीं, मैं बेमुरव्वत नहीं, तूने सर्दी की रातों में तहज्जुद की नमाज में मेरी तिलावत की है, तूने रोजा रखकर प्यास से तेरा मुंह का पानी खुश्क हो गया था, लुआबों में नहीं रहा था, तू बोल नहीं सकता था, असर का वक्त था, गर्मी का तेरा रोजा था, तेरी जुबान पे मैं जारी था, तूने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे ना छोड़ा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं अल्लाह का कुरान हूं, याद रख हमेशा तेरा साथ, तूने मेरा साथ ना छोड़ा, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। इस कुरान से यारी करो, इस कुरान से यारी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। ये कोई यारी नहीं जब कोई मर जावे तो छड्डी आओ फलाने मौलविया को, छड्डी आओ फलाने तालबा को कुरान पढ़वाओ, ये चंगी यारी है। मरण को पहले यारी नहीं कर, जिंदगी में कमा जो कुछ कमाना है। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक आदमी मदीने पाक से गुजर रहा था, हाथ में खजूर खा रहा था, किसी साहिल ने सवाल कर दिया तो आधी खजूर उसके हाथ में बाकी थी, वो किसी फकीर को दे दी। खजूरों का कारोबार करता था, मरते वक्त वसीयत करके बारा के सारा गोदाम खैरात कर देना, सारी दुकान उन लोगों ने खैरात कर दी। मरने के बाद किसी भाई ने खाम में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, सब कहने लगा यहां का तो मामला ही राला देखा। तो पूछा क्या, कहता जितना सवाब मुझे आधी खजूर का मिला पूरे गोदाम का उतना नहीं मिला। हजारों मन का इतना सवाब नहीं मिला जो तूने मेरे नाम पे खैरात किया है। उसने कहा क्यों? कहने लगा तुमने बिरादरी चुकाई, मुंह मुलाजे चुकाए, ताल्लुकदारी को देखा, उनके यहां हमारा लेन देन है, उनके यहां हमारा आन जान है, तुमने फलां को बुलाया, फलां को बुलाया, फलां को बुलाया, फलां को, मेरे लिए तो उसमें कख भी नहीं बचा, वो सारे का सारा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए, मैंने जो हाथ से दी थी ना आधी खजूर, रब्बे जुल जलाल की कसम उसका ज्यादा आदर मिला। इसीलिए हर नेकी के बारे में कहूंगा खुद कर। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैंने और आपने जो सहारा लगा रखा है कि हमारी औलाद हमारे लिए बड़ा कुछ करेगी मरने के बाद, तुम बताओ तुम मां बाप के लिए कितने कर रहे हो? रात दिन कौन सजदे पढ़ के मां बाप के लिए रो रहा है? कौन है तुम में से जो रात दिन मां को याद करता है, बाप को याद करता है? जब तुम नहीं करते तो तू बड़ा पीर लगता है, तेरे पीछे औलाद बैठ के रोया करेगी है? तू बड़े पीर का पोता, जब तू याद नहीं करता तुझे कौन याद करे? तेरी औलाद ने कभी तुझे देखा ही नहीं, मां की कब्र पे फेरा मारते, बाप की कब्र पे फेरा मारते, तो तेरी कब्र पे खड़ा होकर कौन रोएगा? क्यों? इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो कुछ कमाना है वो खुद कमा, जो कुछ तैयारी करनी है वो खुद कर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे